तो ये देख रहे हैं आप, ये बड़ियारी लगा हुआ है, ट्रेडिशनल फिश ट्रैपिंग सिस्टम है। आप लोग को कोई भी मछली चाहिए, छोटा मछली चाहिए, आप लोग को यहाँ पे मिल सकता है। या आप लोग को नहर पे भी जाएंगे तो नहर पे मिलेगा, मगर यहाँ पे आप लोग कन्फर्म मतलब एकदम छोटका मछली मिलेगा, एकदम देसी जो भी मछली चाहिए किसी भी वैरायटी का तो आप लोग यहाँ पे मिलेगा, शाम को मिलेगा। स्पेशली अभी तो 12-1 बज रहा है इसलिए अभी मछली कम आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें मछली कम है, दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। इसमें देखिए अभी मछली कम है, एक यहाँ पे जितने भी मतलब शेयरर होते हैं आते हैं अपना अपना मछली कलेक्ट करते हैं घर लेके चले जाते हैं, देख रहे हैं ना। तो अभी मछली आ भी नहीं रही है, छोटका मछली एकदम, समझ रहे हैं ना। तो ये मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक अगर पोखरा का मछली खाते हैं उसमें थोड़ा भी साइड इफेक्ट भी रहता है क्योंकि उसमें सब लोगों को दाना और केमिकल खिलाया रहता है। इसमें कोई मछली सब, ये सब नेचुरल फिश है। तो ये बड़ियारी आप लोग दिखा दिया, तो कभी भी आप लोगों को मछली चाहिए बघोच नहर पाइए या कमेंट करके बताइए, आप लोग को डिलीवरी भी कर दिया जाएगा, देख रहे हैं आप लोग को। चलिए मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ यहाँ की मछलियों का, देखिए और आप लोग को यहाँ पे ऐंठा भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे देख रहे हैं ना ऐंठा, जिसको ऐंठा भी खरीदना होगा ऐंठा भी खरीद सकते हैं। केकड़ा ऐंठा मतलब सभी प्रकार के आप लोगों को मतलब समझ रहे हैं मछलियाँ मिल सकती हैं। ऐंठा केकड़ा तो शायद मछली में नहीं आते हैं, स्नेल और क्रैब्स ये मतलब उसी के भर। तो दिखाया आप लोग को, तो कोई भी मछली चाहिए आप लोग को यहाँ पर आइए बघोच नहर पे, पूरे गोपालगंज का सबसे मतलब मछली हब है बघोच, समझ लो बघोच नहर पे स्पेशली वहाँ पे, और नहर कैनाल है भी साइड्स के पास में मार्केट है, छोटा सा फिश मार्केट है वहाँ पे मिलता है। तो आप लोगों ने देखा ये सब प्रोसेस, तो चलिए तो आप लोग को मैंने दिखाया प्रोसेस, यही सब बड़ियारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अगर किसी को मछली चाहिए तो होम डिलीवरी भी करा दिया जाएगा, मगर छोटका मछली स्पेशली आप लोग को मिलेगा, जो मार्केट में आप लोग खरीद नहीं मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। तो रोज में खटेक पड़े तभी नहीं मिली ना। देखो ये पानी निकलो था मार दे, चलो ना मुँह मता नहीं खेलो कल, तारा डर लगल मतलब हमारा कुछ डर नहीं लगल है, पानी उनी बांध ये मर दे। दीपक तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, सीक्रेट प्लेस पे आ गए हैं, यहीं से पूरा मछलियों का कारोबार होता है। जिसको छोटा मछली चाहिए, जिसको भी छोटा मछली चाहिए ना, अरे यार पाइटा मर भीज जाए, सोराली मिर्च मछली तनी ठीक से बोल, तनी कैमरा चलता एक रोज। अरे बाप रे बाप, क्या पाए पानी कम्बा तो चलिए पानी के चिंता तोरा के बोलाओ तारी जो 3 दिन से अभी देख रहे हैं मछली, छोटा मछली यहाँ पे इतना आया है सब। रात खन से गाड़ी चालू बा, अरे बाप रे बाप। आगे तो चले जाना हमार कुछ मार्केटो चली
तिरपाल जो और बनी কেনে কে রহল একা ধান এনে এনে ধান হলো দেখ রে না আপলোক ইধার সে পানি নিকল রা আর ইহা পে ই ক্যা হে স্নেল হে জিসকো হাম লোগ হি ঐঠা বলতে হে জিসকো হাম লোগ অপনে ভাষা মে মগর ইসকো হাম লোগ ये स्नेल है। आओ बाबू है ना कहाँ उल्टा पानी बहुत तेन हालत खराब हो जाए हई तो है ना से बांध सोन होने कहाँ है तनी सोन यार धान में खाना आता है ने इकलौ ने से मुंगा दी हन होने का है तर सुनी यार मैं पीछे चलो हई का हो जाल पथार मंगला सन का जा तू हम जाते नहीं भीज गया हमारे पेनिस अरे रोक कब हॉट हॉट बगे थे अब तो नालिम सीन हॉट हम कितना फेंक दे लिया पकड़ तो आप देख रहे हैं कि बघौच बाज़ार में मतलब फिश हब क्यों है, आप समझ सकते हैं फिश हब बघौच को क्यों बोलते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ियारी लगा हुआ है और वहाँ पर भी लगा हुआ, आपको जहाँ भी मछली चाहिए, जो भी जिस प्रकार की मछली चाहिए, बड़ा साइज छोटा साइज मिक्स मछली चाहिए, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो मतलब आप लोग किस प्रकार का मछली चाहिए देख रहे हैं ना, यहाँ इसको हम लोकल में इसको हम लोग बड़ियारी बोलते हैं, मतलब ट्रेडिशनल ये फिशिंग ट्रैपिंग सिस्टम है। इस मछली ट्रैप नहीं होती, स्पेशली एक एरिया में आकर एक कलेक्ट हो जाती है, इकट्ठा होती है, उसके बाद से निकाल दिया जाता है देख रहे हैं। तो इस साइड इधर वाला फ्रंट वाला एरिया में काफ़ी मछली रहती है और पानी नीचे उधर कर कर मतलब इधर थोड़ा थोड़ा गिरता है साइड में, वहाँ से गिर रहा है देख रहे ना। तो वो अभी लेकर आएंगे मछली चाचा, तो आपको दिखाएंगे कितना मछली लेकर आए हैं। तो भाई आप लोग वीडियो देखते हैं फीस का केवल और लाइक नहीं करते, भाई एक लाइक कर दीजिए क्या जाता है आप लोग को, अगला भी पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और मछली आप लोग जब भी खरीदने आइएगा तो मेरा वीडियो अगर दिखाइएगा और वहाँ पे जो रहते हैं सेलर रिटेलर आप लोग को पैसा कुछ कम देना पड़ेगा ठीक है ना। तो जब भी आप कुछ मैं वीडियो मेरा ज़रूर आप लोग को उनको दिखाई कि मैं इनके थ्रू आया हुआ हूँ, तो आप लोग को पैसा ज़रूर कन्फर्म, नहीं तो मेरा नंबर रहता है सब रिटेलर के पास में, इनको बोलिए कि इनसे इनको पहचानते हैं इनका नंबर लगाइए,
आपको बता देंगे, नहीं तो मेरा नाम जो जानते होंगे कोड भाषा में चैनल का नाम वो समझ ही जाएंगे। थैंक यू। तो स्कूटरी तो खड़ा रहो। ब्लॉग बना तो भाई वो सांप था भाग गया। चलो मूसवा है हमारे लोग बड़की मछली रख दलो ओजा, बड़की मछली ओजा रख दलो। ओहो लिए तो मैंने तनि बनाओ तनि है वीडियो। तो सब मछली होई में जाके अंदर जाके का होली सन इकट्ठा हो जाली सन ओकरा बाद से ले आवल जाला। कभी तो तनि बड़ मछली आवत रहन सीधे धीरे धीरे नहीं खिसावत। तो आपको दिखाते हैं कौन कौन मछली आई बड़ी सुन। ठीक है तो यहाँ पर मछली आएगी कलेक्ट होगी। वही जल जाए से एक जगह तनि मनि फाटल बा बामिन है सन जी वाले एकदम तीन दिन दिशा नहीं सा यही काल ये नहीं होना गया बहुत जो यही कर लिए हम को नहीं आधा किलो हो जाए वगैरह के हटे छेद बावे ना तो जो बोले पाटे जी वाले नहीं आधा किलो हो गई सर। पटिया पकड़ पटिया लड़म हाथ से पकड़ गया तो सब जा मिल जैसन ना पिछला बड़ी पर कहाँ जैसन पिछलो में जाए चाहिए झीली छित्रा बहुत देखाओ मछली तो बहुत बढ़िया बड़ी हाँ आधा किलो हो गए तो आराम से लो तो लाई झोला है वो बगलवा झीले वो बगलवा चल मुझ हमने के घर चलो तो आप लोगों ने देखा कि मछली कैसे आती है वहाँ से निकल के यहाँ रखी जाती है।
चलो हाँ, ये भी एक बढ़ियारी है, देख रहे हैं यहाँ पर भी मछली काफ़ी अच्छा मिली। तो ये बाबा ले जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये भी बाबा यहाँ से ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मछली अच्छा मिलती है, और ये अलग अलग मतलब रेट थोड़ा इधर हाई लेते हैं, समझ रहे हैं ना, मगर मैं रहूँगा तो आप लोगों को कम ही रेट मिलेगा थोड़ा बहुत। तो दो रुको हम भैया तेरे भीजा तारा तो मर दे आयो दो हम रखे तो मुँह सो नहीं रही है राम आधार के हालत खराब हो गई मछली लेके चल जाए हम तो नहीं है वीडियो में मगर माछा ना मछली के पूछा था अमृत चार रन हो जाए वो बढ़िया दो 3.5 किलो तो उनका पास 100 मछली मिक्सचर आई बड़ी सन। और ये में कौन मछली की सन तो भाई अलग अलग बढ़ियारी पर अलग अलग प्रकार के मछली मिल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ अलग मछली है और दूसरे बढ़ियारी पर अलग है। तो कहीं पानी ज़्यादा रह रहा है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पानी कम है। हाँ कितने रुपये रेट चलते रही सन एक और तनि हाफ है दाम में बता दियो। 200 रुपया है, 150 रुपये किलो है भाई मछली, और इसमें भी जी आकर मछली रखा जाता है। और ये बढ़िया है, ज़्यादा उसमें रहता है। हाँ मतलब ज़्यादा जब मछली गिरता है ना पूरा फाइनल उठा वो दो ही उठाई इतना मछली, इतना मछली आ गई है देख सकते हैं आप लोग, इतना मछली आ गई सुन। देख रहे हैं तो चलिए हम एक पानी में छोड़ते हैं। चलो भाग हम निकल हो गए। उधर ही रहते हैं, उधर ही गाय मार दी, एरिया से मछली आती है उधर जाती है। चल भोर भाग अब चल हम क्या, इतना लोग मछली लेने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। ये जितना लोग रुके हुए हैं बाइक और स्कूटी से और साइकिल से सब लोग मछली लेने के लिए रुके हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पे मछली मिलेगी सब लोग लेंगे। और एक चाचा और भी जा रहे हैं तो यहाँ से मछली मिलती है। आप लोगों ने देखा कि बढ़ियारी पर कैसे मछली आ रही है, जिसको ये ट्रेडिशनल फिश ट्रैपिंग है सिस्टम, इसमें मछली मतलब डेड नहीं करती, अलाइव ही रहती है, तो देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोग को और भी ट्रैपिंग वाला सिस्टम बताऊंगा, बस आप लोग एक लाइक करिए भाई, लाइक करने में थोड़ी पैसा लगता है, आप लोग के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर मेरा जाइए, देखिए कि कैसे ये ट्रैपिंग वाला सिस्टम है। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर मेरा चैनल पर देखिए, मतलब मैं पूरा ओरिजिनल कंटेंट बना के डाल देता हूँ, एक जगह मैं ओरिजिनल कंटेंट डालता हूँ, बाकी जगह मिक्स करके डालता हूँ, ठीक है ना। तो भाई आप लोग लाइक करिए, आप लोग को मैं मछली भी प्रोवाइड करा देता हूँ भाई, कोई किसी को फ्री में भी, आप लोग समझ सकते हैं। तो जो आज ज़्यादा मेरा हेल्पफुलिंग रहता है, ज़्यादा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, उनको मैं देखता रहता हूँ, और उनको आते हैं मेरे वहाँ पे मछली के लिए दुकान पे जो होलसेल का है, वहाँ पे उनको मैं मछली फ्री में भी दे देता हूँ,